उउंड वन में आपने जो भी ऑप्शन दिए है ओके नाव सीट अलॉटमेंट हो चुका है सो माइट बी लॉट ऑफ कैंडिडेट गॉड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस एंड यस जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है ऑब्वियसली उनको उनके फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुके होंगे राइट गाइज सेकेंड वन नो अलॉटमेंट ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिस्क्रिपसी की वजह से कुछ डॉक्यूमेंट्स के मिस्टेक की वजह से या फिर कुछ डिटेल्स इनकरेक्ट होने की वजह से उन्हें सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है एंड ना वॉट अबाउट द चासेज ओके क्या आपके चांस है इन सेकेंड राउंड टू गेट योर ड्रीम कॉलेज सो गाइज वॉच दिस पर्टिक्युलर वीडियो टिल दी एंड विल टॉक इन डिटेल अबाउट महाराष्ट्र बी एड सी टी एंड ई एल सी टी कैप राउंड सो बिफोर मूविंग फर्दर देर इज बिग अनाउंसमेंट वी हैव लॉन्च बी एड स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल नेम एज मैनुअर बी एड एंट्रेंस गाइज सब्सक्राइब दिस पर्टिक्युलर चैनल बिकॉज यू विल गेट लॉट मोर अपडेट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल okay strategy video strategy type of video info video strategy type of video to crack the beard cet exam info video and lot more things so let's prepare for maharsha beard CT and elCT batches are already launched for 2022 and 2023 so call on this particular number or visit our website slash beard entrance you will get all these features such as live class books shortcut tricks doubt class recorded videos topic tests mock tests WhatsApp group. टेन थाउजेंड प्लस क्वेश्चन एंड मेंटरशिप वेर यू विल गेट कम्प्लीट गाइडेंस अबाउट द कैप राउंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन द मोटिवेशन टू क्रेक एन एंट्रेंस एग्जाम सो लेट्स विजट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड नो अब द सीट अलॉटमेंट सो फ्रेंड्स हेयर व्यू आर ऑन द ऑफिशल वेबसाइट एंड नाउ इट सेज राउंड वन अलॉटमेंट लिस्ट हैज बिन पब्लिश ओके सो आई दर यू शुड गो टू द एडमिशन शेड्यूल आप एडमिशन शेड्यूल पर जाकर जो भी अपडेटेड है ओके okay? वो शेड्यूल चेक कर सकते हो नाउ दिस वन इज शेड्यूल ओके सो फोर्थ ऑफ जैन यहाँ आपका अलॉटमेंट हुआ है नाउ यू हैव टू विजिट योर रिस्पेक्टिव कॉलेज यू हैव टू रिपोर्ट योर रिस्पेक्टिव कॉलेज बिटवीन फिफ्थ ऑफ जैन टू द एट ऑफ जैन ओके गाइज चार दिन का टाइम है आपके पास ओके फाइव फिफ्थ टू एट ऑफ जैन यहाँ आपको विजिट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाकर और कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है गाइज जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको लेकर जाना है एट योर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट अगर आपको वो पर्टिकुलर सीट चाहिए अदरवाइज अगर आपको फ्रीज करना है या फिर बेटरमेंट के लिए जाना है तो ऑप्शन क्या रहता है गाइज वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टेल द एंड एंड ऑल दोज कैंडिडेट जिनको अभी भी कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है ओके okay? कोई सीट नहीं मिली है कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज फ्रॉम दर्टीनथ ऑफ जैन टू द सेवनटीन ऑफ जैन यहाँ आप वापस रजिस्टर कर सकते हो ओके okay? जिन्होंने अभी तक रजिस्टर किया ही नहीं है वो कर सकते हैं और यहाँ आप अपने ऑप्शंस फिल कर सकते हो आपको अगर कैप आपको अगर फॉर्म एडिट करना है देन ऑल्सो यू कैन एडिट योर फॉर्म ओके ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो आप आपके ऑप्शन चेंज कर सकते हो ओके okay? सो so, ये जो शेड्यूल है ये कंटिन्यू देखते रहना गाइज ओके एंड डोंट फॉरगेट फिफ्थ ऑफ जैन टू द एट्थ ऑफ जैन दिस इज द फाइनल डेट गाइज ओके इसमें कोई अपडेट नहीं आने वाला है एंड नाउ लेट्स कम ओवर ओवैर सो चेक अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट भी है एंड कैंडिडेट वाइज अलॉटमेंट भी है अगर आपको कैंडिडेट वाइज अलॉटमेंट देखना है सो क्लिक ओवर ओवैया राउंड वन आपको बस यहाँ एप्लीकेशन आई डी एंटर करना है एंड चेक यू अलॉटमेंट ओके सो एप्लीकेशन आई डी यहाँ एंटर कर सकते हो आप अलॉटमेंट देख सकते हो लेकिन जो फ्रीज एंड बेटरमेंट के ऑप्शन है वो आपको लॉग इन करने के बाद दिखने वाला गैज ओके सो यहाँ कैसे आप देख सकते हो कि आपका अलॉटेड प्रेफरेंस जो है वो फर्स्ट है या सेकेंड है कौन सा है ओके okay. आपको मिला है वो डिजायर्ड कॉलेज आपको मिल चुकी है यह कॉलेज का नाम है ओके नाउ कम ओवर यज आफ्टर लॉग इन यू विल सी such type of page right so application form already confirm ho chuka hai that means koi mistake nahi hai yahan mere sare document verify ho chuke hain yahan bhi koi mistake nahi option form general not filled okay now confusion clear ho jata hai guys bahut sare student confused the option form fill करना है या नहीं और elct fill करना है या नहीं okay? so all those कैंडिडेट जिनको हिंदी मराठी उर्दू and गुजराती medium से बीएड करना था उनको option form general fill करना था राइट right, ईएलसीटी वाले कैंडिडेट ऑप्शन फॉर्म भी फिल कर सकते थे और ईएलसीटी वाला फॉर्म भी उनको फिल करना ही है नाउ कॉलेज जो है है वो यहां मुझे मिल चुकी राउंड वन और ये कॉलेज का नाम है सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस कह रहा है नॉट गिवन अभी तक कुछ नहीं किया है सीट एक्सेप्टेंस फी पेड स्टेटस नॉट पेड एडमिशन स्टेटस नॉट एडमिटेड ओके सो अब तक तो यही बता रहा है नाउ कम ओवर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर ओके जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है जस्ट क्लिक हो भैया चेक यू अलॉटमेंट राउंड वन के लिए जो मेरा अलॉटमेंट है यहाँ मुझे नाम दिया गया है ओके एलिजिबल कोटा होम यूनिवर्सिटी मुझे मिली है राइट एंड एलिजिबल मेथड नाउ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गाइज इसके बारे में बात करेंगे एलिजिबल मेथड और इसने आपको कितना परेशान किया है और फाइनली इसका यूज़ किया है ओके अलॉटेड मेथड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं गाइज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नाउ डोंट फॉरगेट टू प्रिंट दिस अलॉटमेंट लेटर अगर आपको सीट कन्फर्म करनी है नहीं करनी है कोई बात नहीं एक प्रिंट आपको ले लेना है सिर्फ ओके नाउ कम ओवर यर सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इफ यू फ्रीज योर अलॉटेड सीट देन यू विल है ओनली बिफोर द लास्ट डेट एज पर करंट राउंड प्लीज विजिट अलॉटेड कॉलेज एंड गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एंड कंफर्म योर एडमिशन ओके सो फिफ्थ टू एट्थ ये लास्ट डेट है जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है गाइज आपको सिर्फ वेट करना है जब आपका कैप राउंड सेकेंड स्टार्ट होगा थर्टींथ ऑफ जैन को तब आप जो है ऑप्शन फॉर्म्स दे सकते हो एडिट कर सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो इफ यू गो फॉर बेटरमेंट ऑफ यू अलॉटेड सीट देन यू विल हैव टू पे वन टाइम सीट एक्सेप्टेंस फीस दैट इज़ रुपीज थाउजेंड ऑनली बिफोर द लास्ट डेट एज पर द करंट राउंड एंड देन यू विल बी कंसिडर फॉर बेटरमेंट फॉर प्रोवाइडेड ऑप्शन इन द नेक्स्ट राउंड अब गाइज एक मिस्टेक बहुत चली आ रही है काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है आफ्टर सेलेक्टिंग द बेटरमेंट ऑप्शन क्या हमें उस पर्टिकुलर सेंटर पर विजिट करना है या नहीं ओके okay, क्योंकि लॉ में भी हमने देखा है लॉ थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स ओके एंड इवन इन द बी जो नोटिफिकेशन प्रोशर है उसमें यह दिया गया है कि बेटरमेंट के बाद भी आपको विजिट करना है लेकिन जब स्टूडेंट विजिट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पर इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है कि नहीं हमें तो सीई सेल ने ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो एक मिस्टेक सीई सेल से यह हो चुकी है कि उन्होंने प्रोशर में लिख दिया बेटरमेंट के बाद भी आपको वेरीफाई के लिए जाना है सो so, क्योंकि ओ एम एस कैंडिडेट है ऑब्वियसली वो नहीं आ पाएंगे सिर्फ वेरीफाई कराने के लिए डॉक्यूमेंट और ऐसे में जब वो बेटरमेंट कर रहे हैं बेटरमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वेरीफिकेशन के लिए आए फिर वापस सेकेंड राउंड में वो पार्टिसिपेट करेंगे फिर फ्रीज करेंगे तो वापस उनको आना पड़ेगा सो दैट्स वाई आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है जस्ट एक कॉल कर दो कि हाँ मैंने बेटरमेंट चूज़ किया है आपके इंस्टीट्यूट के लिए ओके okay. थाउजेंड रुपीज पे करते हो देन डेफिनेटली आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट तो करने ही वाले हो ओके सो सी ओवर वै यहाँ कॉलेज मिला है ठीक है नाउ ओपन जनरल कैंडिडेट है प्रेफरेंस दैट बेटरमेंट का ऑप्शन यहां नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्योंकि इनका जो प्रेफर्ड वन था इनका जो प्रेफरेंस था फर्स्ट प्रेफरेंस ही इन्हें मिला है तो दैट मीन्स ऑटो फ्रीज अब इनको क्या करना होगा इनको फ्रीज ही करना होगा सो so, अब ये फ्रीज करते हैं और थाउजेंड रुपीज पे करते हैं दैट मीन्स इनका एडमिशन इस पर्टिकुलर कॉलेज में हो चुका है अगर बेटरमेंट के लिए जाते हो ओके okay, सो so, लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट दैट एंड बिफोर मूविंग फर्दर गाइज ऑप्शन फॉर्म जनरल यहां आपको आना है जिन सारे कैंडिडेट को अभी भी कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है ऑप्शन फॉर्म ई एल सी टी अभी भी आपको सीट नहीं मिली है अगर आप इंग्लिश मीडियम कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो देन ऑप्शन फॉर्म ई एल सी टी यहां ध्यान दो गाइज यहाँ आपको ऑप्शन फॉर्म ई एल सी टी फिल करना है ड्यूरिंग थर्टीथ ऑफ जैन ओके नाउ और उसके बाद में आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीज एंड बेटरमेंट ऑप्शन इन डिटेल सो सी ओवै यहां आपका नाम मेंशन किया गया है ओके नाउ कॉलेज आपको ये कॉलेज मिल चुका है पर्टिकुलर अब यहां जो ऑप्शंस दिए आपको फ्रीज अगर फर्स्ट प्रेफरेंस होगा दैट मीन्स ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा ओके गाइज नाउ केस यहां वन की बजाय यहां टू लिखा हुआ है या फिर थ्री या फिर फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन जो भी आपने प्रेफरेंसेस दिए थे टेन लेवन ओके एक्स वाई जेड नंबर ऑफ ऑप्शन नाउ अगर आप, आपको ऑप्शन थर्ड मिला है एंड यू आर लुकिंग फॉर द ऑप्शन वन ओके ऑप्शन वन आपको चाहिए तो आप क्या करोगे गाइज यहाँ जो बेटरमेंट का टैब है उसे क्लिक करना है बेटरमेंट पर क्लिक करना है देन आपको थाउजेंड रुपीज पे करना है एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस सेकेंड राउंड जो आपका थर्टींथ ऑफ जैन को स्टार्ट होगा थर्टींथ ऑफ जैन को आप वापस फ्रेश ऑप्शन दोगे वहाँ आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली ऊपर रहेगा देन सेकेंड और आपको थर्ड मिला था तो थर्ड को रिमूव कर देते हम ओके सो यहाँ थर्ड हो जाएगा दूसरा ओके okay? और ये जो थर्ड है वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ जो लिस्ट में है नीचे आ जाएगा एट द एंड ऑफ योर लिस्ट ओके सो ऐसे आप कर सकते हो आपको बेटरमेंट करना है थाउजेंड रुपीज पे करना है अगर आप और भी टॉप कॉलेज ढूंढ रहे हो अदरवाइज अगर आपको ये कॉलेज चाहिए जो भी आपका फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिला है अगर आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फ्रीज पे क्लिक करना है आपको थाउजेंड रुपीज़ पे करना है और एडमिशन ले लेना है कैसे आपको वहां विजिट करना है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में और वहां जाकर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाने हैं ओके यू हैव टू विजिट फॉर दी वेरिफिकेशन पर्पज तो फाइनली आपका एडमिशन वहां हो जाएगा सो गाइज आई थिंक यहां सब क्लियर हो चुका है अबाउट द फ्रीज ऑप्शन दैट मीन्स आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप करोगे फ्रीज अगर आप चूज करते हो बेटरमेंट दैट मीन्स आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो लुकिंग फॉर योर ड्रीम कॉलेज जो भी आपका टॉप कॉलेज है उसके लिए आप जाना चाहते हो वहाँ इनकेस अगर सेकेंड राउंड में भी आपको कॉलेज नहीं मिलता आफ्टर सेलेक्टिंग बेटरमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज जो फर्स्ट राउंड में आपके जो कॉलेज मिली है ये पर्टिकुलर कॉलेज ये पर्टिकुलर कॉलेज अगेन आपके लिस्ट के एंड में होगी तो आप उसी कॉलेज के लिए वापस जा सकते हो उसकी सीट आपके लिए रिटेन रहेगी लेकिन अगर बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप थाउजेंड रुपीज़ पे नहीं करते हो देन गाइज वो सीट रिटेन नहीं होने वाली अगर आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करते हो देन थाउजेंड रुपीज़ पे करते हो दैट मीन्स आपकी सीट पक्की हो चुकी है आपका एडमिशन हो चुका अब बस आपको वेरीफिकेशन के लिए जाना है लेकिन फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद भी अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा आपको वापस सेकेंड राउंड में ट्राई करना होगा ओके सो यू गॉट इट फाइनल जिनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है नो अलॉटमेंट येट देन गाइज वेट फॉर द सेकेंड राउंड जिसकी डेट मैंने बता दी आपको थर्टींथ ऑफ जैन टू सेवनटींथ ऑफ जैन ओके इस बीच में आप, आपको सारे ऑप्शन वापस फिल करने हैं और जितने भी ऑप्शंस फिल करूंगे गाइस मैं यही कहूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको ऑप्शंस देने हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चांसेस आपके चांस कितने लुक हियर इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ क्लिक करना है राउंड वन सेलेक्ट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मैंने सेलेक्ट कर ली सेलेक्ट कॉलेज अब कोई भी कॉलेज यहाँ सेलेक्ट कर लो ओके बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ओके शो अलॉटमेंट लिस्ट और इस बार कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे हुआ है गाइस ओके okay? इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे ज़्यादा तो कट ऑफ थोड़ा कम हुआ है नाउ सी ओवै बी टी टी सी कॉलेज अब बी टी टी सी कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है ओके okay, अब यहाँ कितने लोगों ने एडमिशन लिया है ट्वेंटी फाइव अब आपको जो सीट है वो यहाँ से देखनी है कॉलेज लिस्ट पर जाना है सर्च कॉलेज में जाना है सेम ऐसे यूनिवर्सिटी देन वहाँ से कॉलेज सेलेक्ट करनी है और उनके सीट इंटेक देखनी है ओके okay, आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीट है अब आपको क्या करना है ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हो फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट ओके तो होम यूनिवर्सिटी की सीट इनको अलॉट हुई है सी द मेरिट यर हंड्रेड आउट ऑफ वन काफ़ी डिसेंट सा कट ऑफ गया है ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है इस बार क्योंकि ओ की बात करेंगे ओ एम एस स्टूडेंट्स लुक ओवर यर सेवेंटी फोर पर इनको मिल गया है ओके okay? इनको सेवेंटी फोर पर मिल गया है एडमिशन इनको एटी टू पर मिला है तो अभी भी कुछ सीट वैकेंट है तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो ओके okay? सो so आपको ऐसे ही चेक करना है अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट हो देन भी आप चेक कर सकते हो आपके डिजायर जो इंस्टीट्यूट है उसमें अब लेट्स सी हंसराज जीवनदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन सो अलॉटमेंट नाउ सी ओ वै ओमएस कैंडिडेट सेवेंटी सेवन एंड सिक्सटी थ्री ओके सो इनको भी यहाँ एडमिशन मिला है सो वाई नॉट यू आप भी अच्छे प्रेफरेंसेस दो गाइज और अपने डिजायर कॉलेज में एडमिशन ले लो सेंट जेवियर्स शो अलॉटमेंट लिस्ट ओ एम एस कैंडिडेट नाउ एटी थ्री नाइन्टी सिक्स एंड नाइन्टी एट दैट मीन्स अगर आपका स्कोर नाइन्टी फाइव के आसपास है डेफिनेटली यू कैन गेट दिस देंट जेवियर ओके सो यू कैन ट्राई द बेस्ट कॉलेज बस आपको चेक करना है यहां से क्या उन कॉलेज का कट ऑफ है आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी है पुणे यूनिवर्सिटी है तो वहां से चेक कर लो मुंबई यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से चेक कर लो ओके गाइज सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो अभी भी कोई कंफ्यूजन है गाइज दैन आस्किन बिलो कमेंट सेक्शन विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज सो कॉन्टैक्ट अस ऑन रिस्पेक्टिव नंबर्स एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेरेशन विद अस फॉर क्लास रूम कोचिंग यू कैन कॉल ऑन रिस्पेक्ट यू नंबर्स एंड You can join our classroom sessions at Borivali, Vasai and Dada. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all, guys. Subscribe, Kanana Bule, भूले. Manward P at entrance. All the best for your career. See you in the next video.